अभी तक बारिश आ नहीं रही थी यहाँ पे, और जैसी पोर्ट में एंटर किया इतनी तेज बारिश शुरू होगी, तो आज तो भैया शिप गारंटेड है हिलेगी बहुत बुरी तरह तूफानों की वजह से। और ये आगे देखो भाई, तीन स्टिकर लगते हैं यहाँ पे मेनली, पोल्यूशन चेक करेंगे, हेडलाइट चेक करेंगे, टायर चेक करेंगे कि घिसे पीटे तो नहीं हुए, तो उस चीज का ये स्टिकर है। और यार अपने पास अभी होटल नहीं है होली हेड में ना कहीं पे भी, क्योंकि होली हेड में होटल मिल ही नहीं रहे, और दूसरी चीज ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बुक भी नहीं होगा क्योंकि 12 बज चुके हैं। जंगल ऊपर से दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, आवाज इतनी तेज तेज आ रही है बारिश की, ऐसे डरावना सा सीन लग रहा है बड़ा। लो जी लो, हमें ही रुकवा लिया, सबको जाने दिया। Where are you going to? Liverpool. Liverpool's got? Yes. Any ID, any passports? Yes, yes. Yeah. चलो भाई चलो, चेकआउट कर दिया अपने हॉस्टल से, निकलने का टाइम आ गया है, गाड़ी फ्री में पार्किंग मिल गई थी, दो दिन तो बड़ी खुशी सी हो रही है। ये मेरा हॉस्टल था भाई, हॉस्टल मतलब क्या, मैंने तो प्राइवेट रूम ले रखा था, वैसे डोम्स भी है इसमें। रूम मेरे को पड़ा था पर नाइट 7,000 रुपए के आसपास, यानी दो दिन का 14,000 रुपए, जिसमें आप कह सकते हो कि पार्किंग जो है वो फ्री मिल गई मेरे को, वरना 25 या 30 यूरो ना भाई पार्किंग के देने पड़ जाते थे पर डे, तो वो बच गए। बाकी लगेज वगैरह ज्यादा था नहीं, एक ही सूटकेस लाया था मैं, तो फटाफट से डाल लिया है और निकलना है, क्योंकि भाई मुझे आज पहुंचना है वापस यहां से बेलफास्ट से डब्लिन तक, क्योंकि रात की वही 8:20 की फेरी है हमारी, कहां तक के लिए, होली हेड के लिए। मतलब सेम प्रोसीजर होगा सब कुछ, जैसे हम होली हेड से आयरलैंड आए थे वैसे अब आयरलैंड से वापस होली हेड यूके जाना है हमें। लेकिन आज का सीन क्या है, मैं अभी नॉर्दर्न आयरलैंड में हूं जो यूके का पार्ट है, तो सोचो मैं यूके से पहले जा रहा हूं आयरलैंड, फिर आयरलैंड से वापस जाऊंगा यूके, तो मतलब दो बार ऐसे ऊटपटांग सी चीजें हो रही है। हालांकि यहां यूके से आयरलैंड जाने में कोई बॉर्डर नहीं आता, सीधा 2 घंटे का रास्ता है, खींच दूंगा। और डब्लिन में यानी आयरलैंड में अभिषेक वहीं पे ही है, उसके दोस्त के फ्लैट में, तो उसको पिक करना है, फिर पोर्ट बिल्कुल सामने ही है उनके घर से, आपको मैंने दिखाया था 2 ब्लॉग पहले, तो ये सारा सीन है। आप फटाफट निकलते हैं भाई, बहुत देर हो गई है ऑलरेडी। बाकी कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, गाड़ी मैंने वॉश करवा ली थी, एकदम ऐसे चमक रही है, बाहर से भी चमक रही है और अंदर से भी एकदम ऐसे लश्कारे मार रही है, और साथ में उन्होंने अलॉय व्हील पे एक केमिकल लगाया था भाई, इतना तगड़ा चमक गया था। अभी तो हालांकि थोड़ी बहुत मिट्टी जम गई है, बट फिर भी देख रहे हो साफ सुथरा है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, आज है 25 अगस्त 2023, मैं हूं अभी नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप पे मैं निकला हुआ था भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें मैंने भाई अराउंड 29 से भी ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल कर लिया है, एंड टोटल 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के एंड में मैं पहुंचूंगा वापस अपने घर गुड़गांव में। तो ये वाला एपिसोड जो है ना वो आई गेस भाई 100 एपिसोड है, मतलब 100 एपिसोड मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, और अभी 15 से 20 एपिसोड और आएंगे पहुंचने तक घर पे, तो जैसे सपोर्ट अभी तक दिखाया वैसे ही बनाए रखना। बाकी अपने भाई भी आए हैं अलविदा देने के लिए, धन्यवाद कल खाना खिलाने के लिए और आज बाय बाय बोलने के लिए। सही है, चलो भाई चले गए हैं, मैंने एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया है पिकअप के लिए, 15-20 मिनट में पिकअप रेडी होगा, तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। भाई बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो गई है, ये देख लो आप, अरे रुक भी गई, वाह अभी आई थी अभी रुक भी गई, कुछ भी चलता है भाई, यहाँ 10 मिनट के लिए बारिश आती है फिर गायब। रेस्टोरेंट तो भाई बिल्कुल हॉस्टल के सामने ही था, पैक भी हो गया, चलो फटाफट चले। हॉस्टल वाले भाई साहब भी बोल रहे होंगे गाड़ी लगा के गायब हो गया सुबह से अभी तक, बट कोई नहीं, यहाँ से भाई डब्लिन का रास्ता 2 घंटे का है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम से पहुंच जाऊंगा। मेन हाईवे के ये लेफ्ट साइड में ना लाल सी आप देख रहे हो रोड सी बनी हुई है पतली सी, ये पता नहीं भाई किस चीज के लिए है, जहां तक मुझे लग रहा है ना ये है कि मतलब रोकनी वोकनी हो किसी को गाड़ी अपनी, बट यार रोकने के लिए पूरी रोड एंड तक ये जगह बना रखी है, तो पता नहीं यार किसी को पता हो, कोई यूके से हो आयरलैंड से हो तो बता सके तो कमेंट्स कर देना। अगर ये रोकने की है तो भाई मुझे रोकनी है गाड़ी, क्योंकि मेरी थोड़ी नस्सी चढ़ रही है पैर में और कई देर से मैं जगह ढूंढ रहा हूँ भाई, जगह मिल नहीं रही, हो सकता है ये इसलिए बना रखी हो रोकने वोकने के लिए, बट रिस्क नहीं ले सकते भाई, कोई प्रॉपर जगह दिखेगी तभी रोकूंगा। अच्छा लेफ्ट पैर की नस चढ़ी है, राइट की नहीं चढ़ी। और इडली सांभर लिया था, खा भी लिया, साथ में बिरयानी पैक करवाई हुई है, वो रात को शिप में खा लूंगा। आयरलैंड में भाई मैं काफी देर पहले एंटर कर चुका था, कहीं पे भी रोकने की नहीं जगह मिल रही थी, और ये टोल टैक्स आ गया यहाँ से, जो डब्लिन का पोर्ट है वो अराउंड 20 मिनट का रास्ता हो रहा है बस, तो आई गेस से 3 यूरो है यहाँ पे भी जो पे करने है ना हमें। हेलो हाउ मच, नो
210 ओके थैंक यू बाय। चलो जी चलो, 210 रुपए का टोल टैक्स कटा है। बारिश आ रही है ना, तो ये देखो भाई यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन सरफेस वाटर। भाई साहब देखो रियल टाइम बिल्कुल अपडेट हो रही है। एंड लो जी वापस से वो टनल आ गई है जो हमने 2-3 बार क्रॉस कर चुके हैं। एक बार तो गलती से घुस गए थे इसलिए करनी पड़ी, और एक बार मैं जब आयरलैंड से नॉर्दर्न आयरलैंड गया था तब के टाइम पे, तो वापिस से अब फीस भरनी पड़ेगी 3 यूरो यानी कि 300 रुपए। चलो जी टनल क्रॉस कर लिए हैं, पैसे भी कर दिए हैं, और आज हो रही है बारिश आपने देखा बहुत देर से, तो इसका मतलब जो हमारी शिप है वो भी काफी लहराएगी आज रात भर। पहली बार बारिश नहीं थी तब इतनी ज्यादा मोशन सिकनेस हो गई थी, ऐसे ऐसे हो रही थी शिप। आज तो भैया तूफान बारिश आ रही है और ज्यादा हिलेगी। कोई नहीं, ओपन डेक में चला जाऊंगा, थोड़ा बेटर लगता है वहाँ पे। रेंज रोवर देखो भाई स्पोर्ट पुरानी वाली कितनी है ना, बस यहाँ से कितना 2 मिनट का रास्ता रह गया केवल। चलो जी चलो, ये आ गई है बिल्डिंग जहाँ पे अभिषेक रुका हुआ है, मतलब मैं भी रुका था यहीं पे ही, तो गाड़ी लगा देते हैं भाई यहाँ थोड़ी देर। और एक खाना वाना जो बचा है इसको पैक करके समेट लूँ भाई, कि अभी गाड़ी धुलवाई है, एक दिन हुआ है तो गंदी नहीं करनी। थोड़ा सा सांबर गिर गया बट ये मैं साफ कर दूंगा, कोई नहीं। 6:49 पे पहुंच गया भाई, मुझे तो लगा था 7:15 बज जाएंगे बट ठीक है, अब 7:30 तक निकलेंगे। ये सामने ही पोर्ट है क्योंकि बिल्कुल जहाँ से मिलनी है फेरी। तो यहाँ पे भाई अपने एक सब्सक्राइबर मिले हैं, उन्होंने आयरलैंड की गाड़ी खरीद रखी है यूज। तो एक चीज मैं दिखा रहा था पहले, तो ये NL, NL का मतलब बता दो। मतलब नोविस ड्राइवर, वंस यू गेट योर लाइसेंस 2 साल तक लगाना पड़ता है बाय लॉ। अच्छा। और L मतलब लर्नर, लर्निंग ड्राइवर, मतलब किसी को नया नया लाइसेंस मिला तब भी लगाना है, और लर्निंग है तो फिर तो लगाना ही है ना। अगर आपके पास लर्नर परमिट है, जब तक आपका नया फुल लाइसेंस नहीं मिलता तो आपको फुल लर्नर जो जिसका और ये आगे देखो भाई 3 स्टिकर लगते हैं यहाँ पे मेनली। सबसे पहला तो ये है, जैसे अपने इंडिया में रोड टैक्स होता है ना, पर हमारी इंडिया में क्या कि एक बार गाड़ी खरीदी तो एक ही बार में रोड टैक्स दे दिया पूरा। यहाँ पे क्या हर साल आपको रोड टैक्स भरना पड़ेगा। इनकी गाड़ी का है ये, इनके पास जैसे ओक्टाविया है तो इनका है 180 यूरोज पर ईयर यानी कि 18,000 रुपए। फिर ये दूसरा स्टिकर है भाई इनके इंश्योरेंस का। तीसरा है NCT, NCT मतलब ना एक गाड़ी का पूरा चेकअप करते हैं यहाँ पे, हर 2 साल में ये चेकअप होता है, और उसका स्टिकर है ये, मतलब कि पोल्यूशन चेक करेंगे, हेडलाइट चेक करेंगे, टायर चेक करेंगे कि घिसे पीटे तो नहीं हुए, तो उस चीज का ये स्टिकर है। मतलब सेफ्टी को काफी ना प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे, इसलिए ये 3 स्टिकर नहीं होंगे तो फिर चलाना आपका। और इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ पे ना गाड़ी सस्ती है, क्योंकि ये जो रोड टैक्स इंश्योरेंस है ना ये तो अलग से भाई हर साल आपको लेना ही पड़ेगा, और जो ऑन रोड गाड़ी होती है वो वैसे सस्ती पड़ती है अगर आप मतलब शुरू शुरू में पेमेंट दोगे तो। इसलिए यहाँ पे गाड़ियां वैसे मेंटेनेंस करवाना, सर्विस करवाना ये सब महंगा, और डीजल तो ऑब्वियसली महंगा ही है, बट जो यहाँ पे बैठ के अर्न कर रहा है भाई उनके लिए महंगा नहीं है। हम इंडियंस देखेंगे ऐसा कि अपनी कंट्री में इतना कमा रहे हो और यहाँ पे इतना खर्चा कर रहे हैं तो ज्यादा लगेगा। बाकी गाड़ी तो मस्त है भाई स्कोडा की एकदम, मतलब ऐसे ना ओहो बीस्ट है परफॉर्मेंस में। चलो जी चला जाए, 7:40 हो गए हैं, 8:25 की फेरी है, फटाफट जाते हैं ताकि छूट ना जाए फेरी। 20,000 रुपए दिया भाई, 200 पाउंड एक तरफ के तो है। ओके ब्रो बाय बाय। लो जी लो पोर्ट तो आ गया है, अब हमें T2 टर्मिनल ढूंढना है क्योंकि T2 से हमारी जो है वो फेरी मिलेगी, तो अंदर जाके ही होगा जो है अपना। यहाँ पे देखो सामने लिखा टर्मिनल 10, तो अभी तो 10 है यहाँ पे। अभी तक बारिश आ नहीं रही थी यहाँ पे, और जैसी पोर्ट में एंटर किया इतनी तेज बारिश शुरू होगी, तो आज तो भैया शिप गारंटेड है हिलेगी बहुत बुरी तरह तूफानों की वजह से। उनको अब टिकट दिखानी है, पासपोर्ट तो यहाँ पे मांगते नहीं है कुछ भी, और अब जब वहाँ UK पहुंचेंगे तब भी नहीं मांगेंगे, मुझे पता है पिछली बार भी मतलब देखा ही था खाली नाम का कि हाँ है वीजा बस। वैसे हमारा ना UK का मल्टीपल एंट्री वीजा मिला था तो अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हमने एक बार UK एग्जिट किया और आयरलैंड आए तो टेक्निकली हम यूरोप में आ गए, और यूरोप से वापस अगर UK जा रहे हैं तो फिर अगर मल्टीपल नहीं होता तो शायद एंट्री ना मिलती, बट हमारा मल्टीपल है दिसंबर तक, जब मर्जी आओ जाओ जितनी मर्जी बार, कोई दिक्कत ही नहीं। टिकट में लिखा हुआ है कि 30 मिनट पहले चेक इन जो है वो बंद हो जाएगा, और 7:57 हो रहे हैं, 8:30 की फेरी है, 3 मिनट ही है। अब ये शायद से जो भाई साहब लगे हुए मर्सिडीज वाले हैं ये भी हमारी वाली फेरी के ही होंगे, इसलिए आज कोई भीड़ भी नहीं लग रही चेक इन में, सब लोग चढ़ चुके होंगे क्योंकि ऊपर पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा है, इनका पेमेंट वेमेंट अटक गई लग रहा है। देखो कार्ड मशीन नहीं चल रही या तो उनका कार्ड नहीं चल रहा, बट अच्छी चीज ये है कि हमारे पीछे भी एक और गाड़ी है और वो भाई साहब भी हमारी वाली फेरी के ही है 8:30 का, तो चलो छूटेगी नहीं। कर भाई चलो नंबर आया अनमोल, यस यस लेन 30 ओके थैंक यू। हमारा 2 मिनट में हो गया भाई, पहले ही जैसे घुसे उन्होंने नंबर देख लिया गाड़ी का और नाम भी बोल दिया अनमोल एंड अभिषेक, वही 3 चीजें मिली है जो पहले मिली थी, और लेन
30 में कौन सी लास्ट वाली है, तीसरे नंबर वाली लेन है भैया हमारी, 30 नंबर, क्योंकि हमारा शायद ये प्रायोरिटी वाला है। तो अब क्या प्रायोरिटी, वैसे सबके सब निकल चुके हैं। चलो जी चलो, लग गई है गाड़ी। आज गाड़ियां कम है काफी यहाँ से डुबलिन जाने की, नहीं सॉरी डुबलिन से वहां जाने की, क्योंकि जब होली हेड से हम यहाँ आए थे यही सेम टाइम था 8:30 बजे, बट स्टिल उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आज गाड़ियां कम है भाई काफी सारी, तो चलो सामान वगैरह निकालते देखते हैं। ये भाई यहाँ पे लगा के रखना है जब तक हम गाड़ी से निकल नहीं जाते, मतलब उस वहां पहुंच के। और ये हमें ले जाना है जो अंदर का वो है ना लाउंज हमारा, उसका कोड है ये एंट्री का। ये देखो भाई साहब ट्रक आ गया इतना बड़ा यहीं साइड में। चलो जी चलो, गाड़ी खड़ी कर दी है, लेट्स गो, अब चलते हैं यहाँ से। भाई साहब हमारे पीछे भी देखना, स्केनिया का इतना बड़ा वाला ट्रक है भाई साहब। और ये मोटर होम वगैरह तो नॉर्मल ही है, खैर यही है शायद से गेट लगी तो ही है सीढ़ियाँ। बस ये वाली जो लाइन है ना भाई यहीं पे ही ज्यादा है, ये भी बंद पड़ा है यार, पता नहीं क्या चक्कर है, इमरजेंसी यूज के लिए है। तो वो लोग जो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे ही हो लेता हूँ भाई। अभी आपको डेक पे चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, पहले ही हवा मिल जाएगी अपने बॉडी को तो उल्टी नहीं आएगी। मेरे को पता है वैसे उल्टी एग्जैक्ट आती नहीं है इतनी ज्यादा, बट हाँ जी खराब बहुत हो जाता है। अभी भी ट्रक व्रक आ रहे हैं भाई सब काफी, मेरे को लगा बस बोर्डिंग क्लोज हो गई है, ऐसा नहीं है क्लोज हो गई है, देख रहे हो लाइन से भर रहे हैं। और इससे पिछले से पिछला व्लॉग देख लेना, आपको मैंने इस पूरी फेरी का सब कुछ समझाया A to Z, हर फ्लोर पे क्या क्या है, तो वो सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा वरना बोरिंग हो जाएगी। ये आ गए हम भाई डेक 3 में है हमारी गाड़ी इस टाइम पे, हमें जाना है ऊपर। आई गेस 7th या 8th डेक में हमारा वाला लाउंज है, और 7th डेक में जो है वो ओपन एरिया है। 4th में भी देखो गाड़ियां खड़ी होती है, 5th में भी गाड़ियां खड़ी होती है, बट हमें याद रखना है भाई 3rd नंबर पे है इस बार हमारी गाड़ी। पिछली बार आई गेस 5th नंबर पे थी, ये देखो 5th में भी गाड़ी ही है, यहाँ पे थी हमारी पिछली बार। और ये वाले गेट से जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं ना भाई, लिफ्ट नहीं है यहाँ पे, दूसरे वालों में तो थी जब मैं आया था उस टाइम पे। ये देखो भाई कितनी बड़ी है ना साथ में, डुबलिन स्विफ्ट करके है ये वाली आयरिश फेरी वालों की, हमने बुक करी है स्टेना लाइन, 2 ही फेरी चलती है। फिर से कह रहा हूँ वो वाला व्लॉग देख लेना, उसमें A to Z सारी डिटेल थी। चलो जी यहाँ से फाइनली एंट्री मिल गई अपने शिप में, डेक नंबर 8 में आ गए हम सीधा भाई साहब। तो ये तो नॉर्मल टिकट वालों के लिए, हमारे पास लाउंज का एक्सेस है, वहाँ बैठेंगे हम चल के। ये भाई रेस्टोरेंट और बार एरिया है, यहाँ पे दारू वारू भी आप खरीद के पी सकते हो देख रहे हो काफी, और खाना वाना भी मिल जाता है, मतलब ऑब्वियसली इंडियन खाना नहीं मिलेगा बट खाना मिल जाता है। पूरा ही रेस्टोरेंट एरिया है ये देख रहे हो, कितने बड़ा है भाई, सब सीट्स ही सीट्स हर जगह। ये बच्चों का प्ले एरिया, गेमिंग जोन वगैरह सब दिखा दिया था मैंने उस वक्त आपको। तो हमें जाना है ऊपर भाई, सिनेमा भी है यहाँ पे देखो, पर मेरे ख्याल पे करना पड़ेगा। सेना प्लस में जाना है हमें, 8th फ्लोर पे है। लो भाई मिल गया अपना, ये वाली शिप अलग है यार, उस दिन आए थे अलग थी बिल्कुल। हेलो जायसवाल, यस नो थैंक यू बाय। चलो जी मिल गया है अपने को एंट्री अपने लाउंज में। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है उस पर हम धावा बोलेंगे, फ्री वाली चीज़ें ही खाएंगे खाली, जो पेड है वो नहीं लेंगे। आज खाऊंगा ब्राउनी, उस दिन खाई नहीं थी, उस दिन खाली फ्रूट्स और जूस पिया मैंने। अब यार भरा भरा सा लग रहा है आज तो सारा। चलो इस बार भाई सोफा मिल गया, लेटने के काम आएगा, पिछली बार खाली सीट सी मिली थी तो बैठ के जाना पड़ा। सामने भाई व्यू भी दिखता रहेगा, अभी तक चली नहीं है फेरी, 8:30 चलेगी। अपने को तो मस्त सोफा मिल गया भाई, जूते उतार के सो जाऊंगा मैं तो थोड़ी देर बाद, जब जी खराब होना बंद हो जाएगा। भाई साहब लेटने पे तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मोशन सिकनेस, मतलब पिछली बार जो इतनी हालत खराब हुई थी, अभी 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ शिप में, लेकिन लेट के जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा, जबकि शिप हिल रही है पूरी। तो मस्त है भाई, अगर आप भी ऐसे आओ तो सोफे पे सो जाना या लेट जाना। मैं सो तो नहीं रहा, वीडियोज देख रहा हूँ इनका, मैंने इंटरनेट खरीद लिया 200 रुपये में 2 पाउंड का, उसमें यूट्यूब चल रहा है मस्त अपना। कब 3 घंटे निकल जाएंगे, 3.5 घंटे पता नहीं चलेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है भाई की कोई ना बेडशीट या ब्लैंकेट नहीं है, पैर में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जूते वूते मैंने उतार दिए नीचे मस्त एकदम बूढ़ी से। चलो ऊपर तो ठंड नहीं लग रही बट पैर ठंडे हुए पड़े बुरी तरह भाई। वापस से गाड़ी के पास जाना पड़ रहा है मुझे, एक्चुअल में मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो गई। मैं पावर बैंक तो ले आया बैग में, लेकिन चार्जिंग केबल नहीं लाया, जब केबल ही नहीं है तो भाई चार्ज कैसे होगा। आई गेस यहाँ पे लिफ्ट है ना, हाँ है भाई, शुक्र है चलो, वरना 5 फ्लोर नीचे जाना पड़ता, हालत खराब हो जाती। अभी बटन नहीं इसमें, हाँ ये रे 3rd पे जाना है। हेलो जी, हेलो, की हाल चाल सभी के। यार ये इस वाली पैंट से ना ऐसे मतलब प्यार सा हो गया, इतनी मस्त फिटिंग भी है और कलर भी मस्त लग रहा है, क्या बोलते हो, है नहीं कि नहीं सही बात। वे तो चली ना रही, 8वीं पे ही अटकी पड़ी है, चल ले भाई 4th पे ही चल ले, चल 5वें पे चल ले, 7वें पे ही चल ले, 7वें पे चल रही है। मेरे ख्याल से ना नीचे जो कार वाला डेक है वो बंद कर रखा है लिफ्ट के लिए। हाँ ये देखो नो एंट्री है भैया, नीचे तो जा ही नहीं सकते, क्या करे 2 घंटे अभी तो फेरी रुकने में और फोन की चार्जिंग खत्म है। गलती होगी यार, लेकर आनी चाहिए थी केबल, पिछली बार मैं लेकर आया था लेकिन इस बार पता नहीं ध्यान से निकल गया। चलो अब ऊपर चलते हैं, कोई और रास्ता नहीं है, देख ही नहीं पाऊंगा अब तो भाई, फोन ऑफ हो जाएगा वरना। कोई नहीं, चलो फोन नहीं है टाइम पास के लिए, बट अंगूर मिल गए खाने के लिए, साथ में एक सेब भी ले लिया, कुछ ना कुछ खाते रहो ना तो ऐसे टाइम पास हो जाता है।
लो जी अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, पोर्ट के पास पहुंच गए हैं। 10 मिनट में जो है वो रुक जाएगी फेरी। सबसे पहले वही गाड़ी वालों को जाने के लिए कहेंगे। हाँ 10 मिनट है। चलो जी चलो, बुलावा आ गया है अपना, कार डेक खुल गया है, पानी की बोतल भी है भाई यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जितनी मर्जी लो, तो ये चीज अच्छी है। लो जी लोग कार डेक पे पहुंच चुके हैं, सारी गाड़ियों में लोग बैठना शुरू हो गए हैं। दरवाजा भी ये खोल देंगे वहां से। हम घुसे तो थे पता है उस साइड से, बट निकलते हैं दूसरी साइड से, तो सही रहता है। ऐसे चलाओ गाड़ी और सीधा ऐसी निकल जाओ। ये खड़ी साड़ी गड्डी, सब लोग इसी को देखते हुए निकल रहे। बाहर तो खैर शोर बहुत हो रहा है, अंदर बैठता हूँ फिर बात करता हूँ। और यार अपने पास अभी होटल नहीं है होली हेड में ना कहीं पे भी, क्योंकि होली हेड में होटल मिल ही नहीं रहे। और दूसरी चीज, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बुक भी नहीं होगा क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो इनका क्या सीन रहता है, 12 बजे के बाद बुकिंग ही नहीं हो पाती उस दिन की अगले दिन की हो जाएगी। तो अब या तो यहाँ से लिवरपूल खींचना पड़ेगा सीधा, 2 घंटे का रास्ता है, या देखते हैं भाई क्या करना है। लो भाई लो, गेट खुल गए हैं निकलने के लिए बाहर। लो जी लो, हमें ही रुकवा लिया, सबको जाने दिया। हाय हेलो, गुड आफ्टरनून, व्हाट वेयर यू गोइंग टू? लिवरपूल। लिवरपूल गो, यस। एनी आईडी, एनी पासपोर्ट? यस यस। रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। We are YouTubers actually. We make videos. YouTubers. And... You're not filming us, are you, at the moment? No. Are you off to now? Liverpool. Liverpool? Yes. How long for? For 2 days. 2 days. What kind of content do you film? Travel vlogging. Huh? Travel vlogging. Living the dream, yeah? Oh, sounds good, that. You got a visa for this country? Yes, yes, UK yeah. visa. Tell you what, if you look for it, I'll perfect. Okay. Any alcohol, cigarettes or anything on no. board? चलो जी, थोड़ी बहुत चेकिंग करी उसके बाद जो है जाने दे रहे हैं। अब ये वेयर हाउस सा बना रखा है इन्होंने, यहाँ से एग्जिट देंगे हमें शटर खोल के। वी शिफ्ट आवर कार टू ईरान, देन ईरान टू टर्की, टर्की टू होल यूरोप, देन टू यूके। बाय। चलो जी चलो, बाहर निकल गए हैं। एक्चुअल में जो यहाँ की लोकल नंबर प्लेट थी ना, या आयरलैंड की थी, उनको तो नहीं रोका, हमारा नंबर प्लेट देखा उन्होंने तो हाथ दे दिया सीधा। फिर वो वेयर हाउस के अंदर जाके भी 2-3 ऑफिसर थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे कि एक तो मतलब क्या पर्पस है ट्रिप का, तो हमने बता दिया यूट्यूबर है, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं इसलिए बस कर रहे हैं। दूसरा फिर पासपोर्ट मांगा कि पासपोर्ट दिखाओ, दोनों ने अपना पासपोर्ट दिखाया। पासपोर्ट में तो मेन वही चेक करते हैं कि वीजा है या नहीं है, वीजा फिर हमने यूके का दिखा दिया दोनों का अपना। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और पूछा कि सिगरेट या फिर कोई मतलब अल्कोहल वगैरह कैरी कर रहे हो, तो हम तो वैसे भी नहीं कर रहे, तो वो हमने मना कर दिया, बस उन्होंने सीधा जाने दिया। याद है जब हमने यहाँ से वहां जाने के लिए फेरी पकड़ी थी, उस दिन एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था, बस उसी वाली गली में है हम यहाँ पे। यहीं पे एक होटल मिला भाई ओरिएंट करके, सेंसर वाली लाइट तो भाई ऑन हो गई है एकदम से, और गेट भी खुला हुआ है। होपफुली इनके पास रूम हो, ज्यादा बड़ा तो लग नहीं रहा वैसे होटल, देखना 3-4 ही रूम है। लेट्स सी, 2-3 होटलों में ट्राई करेंगे, मिल जाता है ठीक है, वरना खींच ही दूंगा भाई लिवरपूल 2 घंटे में, क्या ही जा रहा है, कल वैसे भी जाना ही है लिवरपूल ही, तो आज रात को पहुंच जाएंगे तो बढ़िया होगा। अभिषेक तो कल निकल जाएगा, इसकी फ्लाइट है फिर इंडिया की, मैं रुकूंगा ही अभी, तो बड़ा ही निराश होके आ रहा है ये वापस, लग रहा है रूम नहीं है, और रूम है ही नहीं कोई। फोन कॉल करूँ इसको, 12:30 हो रहे हैं भाई रात के, वैसे तो मुश्किल ही है मिलना कहीं पे, देखते हैं अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता फिर पेट्रोल पंप कोई ढूंढेंगे, वहीं गाड़ी लगा के सो जाएंगे। A few minutes later. तो यार 3 होटलों में पता कर लिया, किसी के पास भी रूम अवेलेबल नहीं है, फेरी यहीं से चलती है ना, तो इसलिए लेट रात को फेरी आती है, लोग यहीं बुक करवा लेते हैं एडवांस में, तो भरे पड़े हैं सारे। हम यहाँ से लिवरपूल जा रहे हैं, 102 माइल यानी कि 160 किलोमीटर है, और 2 घंटे दिखा रहा है, खाली रोड होगी, खैर ट्रैफिक तो मिलेगा नहीं, सीधा वहीं खींच देते हैं, वहाँ पे होटल मिल रहा है 2 रात के लिए 26,000 में।
भाई साहब एक तो वैसे पूरे रास्ते में अंधेरा हो रहा है, लाइटें वाइटें नहीं है, ऊपर से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। बताओ पहली विजिबिलिटी जीरो थी और विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। अब हाई बीम ही चला के रखनी पड़ेगी भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लो बीम ये देखो जैसे ही करूंगा आगे का कुछ दिखता ही नहीं है, बस ये इतना सा दिख रहा है, उसके आगे क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता चल रहा, ना टर्न का समझ आ रहा, तो हाई बीम मार के ही चलानी पड़ेगी। हालांकि सामने से ज़्यादा ट्रैफिक आ नहीं रहा, रात के भाई 2 बज चुके ऑलरेडी, तो इतनी दिक्कत नहीं है। अब ये आया तो इसके सामने करनी पड़ेगी लो बीम, बट बहुत दिक्कत होएगी भाई ऐसे ना, मतलब वो एक लाइट मैंने लगवा रखी है एक्स्ट्रा, अगर वो जला ली फिर तो ऐसे पूरा चांदना ही हो जाएगा रोड पे, बट कर नहीं सकता वो चीज़। देख रहा हूँ मतलब भाई क्या डरावना ही सीन है रोड पे, हरी सी लाइट जल रही है और लो बीम करते ही पूरा अंधेरा। ओ भाई साहब अगर हेडलाइट बंद हो जाए तो कुछ दिखे ही ना रोड पे कि है भी या नहीं है, जंगल ऊपर से दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, आवाज इतनी तेज तेज आ रही है बारिश की, ऐसे डरावना सा सीन लग रहा है बड़ा। चलो जी फाइनली पहुंच गए हैं, बस यहीं कहीं आगे लेफ्ट जाके अपना होटल है जो हमने बुक करा है, और बाहर टेम्परेचर देखो भाई 13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है बारिश की वजह से हालत खराब हो गई। वही इसी गली में दिखा रहा है अपना होटल, यही है शायद से, हाँ यही है, बट इन्होंने पार्किंग लिखी हुई थी कहाँ पे है वो पूछ के आना पड़ेगा। नाम है ये स्टे सिटी अपार्ट होटल, मेरे को लग रहा है ये साइड में ही पार्किंग है, बैरिकेड तो लगा हुआ है होटल के साइड ही। टाइम देख लो भाई 2:42 हो गए हैं रात के, 3 बजने ही वाले हैं, भूतों का आने का टाइम हो गया होगा। और अभी एक टोल टैक्स भी आया था सिटी एंटर करने से पहले 2 समथिंग यूरो का, मतलब 220 रुपए कटे मेरे अकाउंट से, तो एक ही टोल टैक्स आया आज पूरे दिन, बट लगातार चलाई भाई बैंड बज गई। अब जाके वीडियो भी शेड्यूल करनी है ताकि सुबह आ सके। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे कर दूँ व्लॉग, क्योंकि घर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा कंटेंट इकट्ठा हो जाए, ताकि क्योंकि मैंने भैया सोच रखा है घर पहुँच के 1-1.5 हफ्ता तो मैं अपने मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, कदम ही नहीं रखूंगा बाहर की साइड, अपना घर में ही रहूंगा। गाड़ी आ गई, ओए चलो गई, कैसी गाड़ी है भाई साहब देखना कौन से जमाने की। मतलब मैं कह रहा था कि रेस्ट करूंगा मैं 7-8 दिन घर पे ही, ना कुछ शूट करूंगा ना कहीं बाहर जाऊंगा, आराम से घर का खाना खाऊंगा और बेड पे पड़ा रहूंगा। भैया इनकी तो पार्किंग पड़ी है फुल, ये कह रहे हैं अब दूसरी पार्किंग बताइए, इसलिए हमने सोचा चलो सामान वगैरह निकाल देते हैं, वरना वहां से रगेड़ के आने का कोई फायदा नहीं है इतनी दूर। रात को भी देख रहे हो क्या लग रही है गाड़ी भाई, अलग ही चमकता है रैप हमारा, ये जो मैप वैप बनवा रखा है ना रेड कलर की लाइनिंग में, प्रॉपर दिखता है रात में, और वैसे भी लुक तो अच्छी है गड्डी की। चलो पार्क करे है भाई, बाहर निकलते ऐसे चिल्लिया से निकल गई इतनी ठंड है। लो भाई पार्किंग मिल गई है क्यू पार्क वालों की, काफी बड़ी बेसमेंट में है वो, सामने खड़ी कर दी गाड़ी, अब यहाँ से जा रहे हैं, पास ही है अपना होटल जो है, यहाँ से मेरे ख्याल से कितना होगा 2-3 मिनट की वॉक होगी बस। booking.com में ना होटल के साथ पार्किंग भी फ्री लिखी हुई थी, मतलब उनकी जो ऑन साइड पार्किंग थी वो थी, बट वहाँ पे फुल थी, तो अब हमें यहाँ पे खड़ी करनी पड़ी, और अब इसका फालतू में पे भी करना पड़ेगा, होगा भी महंगा, 2 दिन करनी है खड़ी, वहाँ पे होटल में हो जाती तो सस्ते में होती या तो फ्री में ही हो जाती। गैलरी देख के भाई बढ़िया सा लग रहा है होटल तो, अंदर रूम भी होपफुली अच्छा ही होगा, तो आज रात के लिए ही है, कल हमें वही 10-11 बजे यहाँ से चेकआउट करना ही पड़ेगा, एक ही रात के लिए लिया है क्योंकि 11,000 का मिला भाई, और अपार्टमेंट होटल है ये तो, साथ में किचन माइक्रोवेव सब है, बढ़िया भाई खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा अभी और सुबह के लिए। बाकी 2 बेड लगा रखे हैं इन्होंने सही, वैसे ये हमने आधी रात को बुक करा इसलिए 11,000 का मिला, वरना कल का जो मिल रहा है ना भाई वो मिल रहा है £195 यानी 20,000 रुपए का, तो फिर इसलिए हम यहाँ से कहीं और चेकआउट करके कोई हॉस्टल वोस्टल ले लेंगे।